हेलो गाइज, वेलकम बैक। वीडियो पसंद आने पर लाइक कीजिए और इस प्रकार का नया नया वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। हाय गाइस, गुड इवनिंग। दोस्तों, हेल्थ आईडी कार्ड के बारे में तो आप सबको पता ही है। और दोस्तों, अगर आप लोग अपना मोबाइल या फिर कंप्यूटर या फिर लैपटॉप पर जाके किसी भी ब्राउज़र पर कोशिश करोगे हेल्थ आईडी कार्ड पर लॉगिन करना, तो आप लोग जब लॉगिन पर क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पर आप लोगों को अपना जो हेल्थ आईडी का जो PHR एड्रेस है, वो एड्रेस सबसे पहले मांगा जाता है। उसके नीचे अपना ईयर ऑफ बर्थ। सो ये दोनों डिटेल्स को देते हुए आप लोग जो कि OTP के माध्यम से काफ़ी आसानी से लॉगिन कर लोगे। लेकिन बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है ना कि वो लोग जल्दबाजी में अपना कार्ड को तो बना लेते हैं, लेकिन उसका जो PHR एड्रेस है वो याद नहीं रहता है। तो उस स्थिति में आप लोगों को कैसे PHR एड्रेस को रिकवर करना है, जानने के लिए आप लोग इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देख लीजिएगा। बट दोस्तों, उससे पहले चैनल को अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और साथ साथ जो बेल आइकन है उसको भी ऑन करके रखिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तोहराज और आप लोग देख रहे हो माय मॉनिटर। सो गाइस, चलिए शुरू करते हैं आज का नया और कुछ खास एपिसोड। सो दोस्तों, अगर आपके पास ये जो PHR एड्रेस है, ये एड्रेस मौजूद नहीं है, तो आप लोग जो कि अपना हेल्थ आईडी कार्ड को लॉगिन नहीं कर पाओगे। और अगर आप लोग अपना हेल्थ आईडी कार्ड को लॉगिन नहीं करोगे तो उसको कुछ भी एक्सेस नहीं कर पाओगे। साथ साथ अगर आप लोग प्ले स्टोर में जो हेल्थ आईडी कार्ड का एप्लीकेशन है, यहाँ पर भी आप लोग जब अपना आईडी को लॉगिन करोगे तब ज़रूरत होता है PHR एड्रेस और पासवर्ड का। सो पासवर्ड तो आप लोग काफ़ी आसानी से फॉरगेट कर पाओगे, लेकिन PHR एड्रेस को रिकवर करना थोड़ा सा मुश्किल है। कैसे क्या कुछ प्रोसेस करना रहेगा, जानने के लिए आप लोग बने रहिए। और नीचे आप लोगों को ऑप्शंस मिल जाता है फॉरगेट योर हेल्थ आईडी, ये जो ऑप्शन है आप लोगों को सिंपल से इसके ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ पर दो दो ऑप्शन आप लोगों को मिल जाता है। सबसे पहले है आधार के माध्यम से, यानी अपना आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उसी मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाएगा। वो OTP के माध्यम से आप लोग जो कि है अपना हेल्थ आईडी का जो PHR एड्रेस है उसको रिकवरी कर सकते हो। और दूसरा जो ऑप्शन है मोबाइल नंबर से, यानी आपका मोबाइल नंबर से OTP भेजा जाएगा और उस OTP के दौरान आप लोगों को अपना कुछ डिटेल्स एंटर करना रहेगा। तो उस स्थिति पर भी आप लोग अपना हेल्थ आईडी का जो PHR एड्रेस है उसको रिकवर कर सकते हो। तो चलिए हम लोग सबसे पहले बताएंगे आधार के माध्यम से कैसे रिकवरी करेंगे। आधार के माध्यम से रिकवरी करने के लिए आधार ये जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अभी दोस्तों इस जगह पर आप लोग अपना आधार नंबर देंगे। आधार नंबर देने के बाद नीचे आ जाएंगे। नीचे ये जो टर्म एंड कंडीशन है आप लोग इसको टिक करेंगे। आई एम नॉट ए रोबोट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। आप लोग चाहे तो इसका जो पूरा का पूरा टर्म एंड कंडीशन है इसको रीड कर सकते हो, हालांकि रीड करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सबमिट वाला ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। दोस्तों, अपना आधार OTP वेरिफिकेशन करने के बाद ही ऊपर में ये ऑप्शंस आ जाएगा जहां पर अपना हेल्थ आईडी का PHR एड्रेस मौजूद है, साथ साथ अपना जो हेल्थ आईडी का PHR नंबर है वो भी मौजूद है। सो यहां से आप लोगों को जो कि अपना PHR एड्रेस काफ़ी आसानी से मिल जाता है। अभी आप लोग चाहे तो लॉगिन कर सकते हो। अभी हम लोग बढ़ते हैं दूसरे प्रोसेस के और। तो चलिए हम लोग फिर से फॉरगेट योर हेल्थ आईडी ये जो ऑप्शन है इसको क्लिक करेंगे। अभी हम लोग मोबाइल नंबर के माध्यम से इसको रिकवरी करेंगे। तो यहाँ पर जो कि रिटेव वाया मोबाइल ये जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करते हैं। अभी दोस्तों, आपने अपना हेल्थ आईडी कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक करके रखे हो ना, उसी मोबाइल नंबर को आप लोग यहां पर एंटर करेंगे। नीचे आ जाएंगे, ये टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे और ये जो रोबोटिक वेरिफिकेशन है इसको आप लोग टिक करेंगे, यानी आई एम नॉट ए रोबोट इसको वेरिफिकेशन करेंगे। सबमिट वाला ऑप्शन पर फिर से क्लिक करेंगे। दोस्तों, अभी आपने जो मोबाइल नंबर दिए हो ना, उसी मोबाइल नंबर में एक OTP आ जाएगा। आप लोग जो कि है OTP इसी जगह पर एंटर करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर OTP को एंटर कर देते हैं। OTP एंटर करने के बाद अपना कुछ डिटेल्स यहाँ पर फिल करना रहेगा, क्योंकि आप लोग अपना मोबाइल नंबर के माध्यम से अपना हेल्थ आईडी रिकवरी कर रहे हो। तो यहाँ पर आप लोग जो कि अपना जेंडर सिलेक्ट करेंगे और ऊपर में अपना डेट ऑफ बर्थ, इस जगह पर डेट, यहाँ पर मंथ और यहाँ पर ईयर को सिलेक्ट करेंगे। और ऊपर में आप लोग अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम सही ढंग से एंटर करेंगे। इतना एंटर करने के बाद आप लोग नीचे आ जाएंगे, सबमिट वाला ये जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। सो दोस्तों, सबमिट पर आप लोग जैसे ही क्लिक करेंगे, फिर से अपना हेल्थ आईडी का जो PHR एड्रेस और हेल्थ आईडी का जो PHR नंबर दोनों यहां पर शो हो जाएगा। आप लोग इसको कहीं पे नोट कर लेंगे। और जब आप लोगों का अपना PHR एड्रेस मिल जाता है तो आप लोग काफ़ी आसानी से अपना PHR एड्रेस को देते हुए अपना हेल्थ आईडी पोर्टल पर लॉगिन कर सकते हो। दोस्तों, हम आशा करते हैं इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप लोग अपना
पीएच रेडर्स को भूल जाते हो तो कैसे उसको रिकवरी करेंगे, इसके बारे में मेरे तरफ से जितना जानकारी मिला मैं पूरा का पूरा जानकारी आप सबके साथ शेयर कर दिया हूँ। फिर भी दोस्तों कुछ डाउट या फिर कुछ जानकारी आप लोगों के अंदर अधूरा रह जाता है तो आप लोग मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हो। सो गाइस बस फिलहाल हमें इतना ही, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत जल्दी मिलेंगे इस पर नया संदेश और कमाल एपिसोड के साथ। आज के लिए गाइस बाय बाय।